नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तर प्रदेश के दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। राष्ट्रपति आज लखनऊ में ट्रिपल आईटी के दूसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ में डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के 27वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि इलाज से ज्यादा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। GPAI 29 सदस्य देशों के साथ एक बहुहितधारक पहल है। GPAI का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यवहारिक गतिविधियों में मदद करके AI पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को पाटना है। भारत 2024 के लिए GPAI का अध्यक्ष है। शिखर सम्मेलन के दौरान AI और वैश्विक स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल, AI और डेटा प्रबंधन और ML कार्यशाला जैसे विविध विषयों पर कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। शिखर सम्मेलन के अन्य आकर्षणों में अनुसंधान संगोष्ठी, AI गेम चेंजर्स अवार्ड और इंडिया AI एक्सपो शामिल हैं। इस शिखर सम्मेलन में देश भर से 50 से अधिक GPAI विशेषज्ञ और 150 से अधिक वक्ता भाग लेंगे, साथ ही कई बड़ी कंपनियां भी हिस्सा लेंगी। इंटेल, रिलायंस, जियो, गूगल, मेटा, AWS, यूटा, नेटवेब, पेटीएम, माइक्रोसॉफ्ट, मास्टरकार्ड, NIC, STPI, इमर्स, जियो, हैप्टिक, भाषिनी आदि सहित दुनिया भर के शीर्ष AI गेम चेंजर्स अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसमें युवा AI पहल के तहत विजेता छात्र और स्टार्टअप भी अपने AI मॉडल और समाधान प्रदर्शित करेंगे। नई दिल्ली में ग्लोबल इंक्लूसिव फाइनेंस समिट के अवसर पर वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में होने वाले दो दिनों के कार्यक्रम में समावेशी वित्त 2023 पर एक रिपोर्ट जारी की जाएगी। दो दिवसीय सम्मेलन को आज से नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवाओं के विभाग के सचिव डॉक्टर विवेक जोशी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दो दिन के सम्मेलन में भारत की G20 की अध्यक्षता में फाइनेंस के भविष्य को लेकर जो दिशा तय की गई है, उसमें डिजिटल फाइनेंस और MSME फाइनेंस पर चर्चा होगी। सम्मेलन में देश के सरकारी और निजी क्षेत्र के बड़े वित्तीय संस्थान के दिग्गज जैम ट्रिनिटी वित्तीय समावेशन और माइक्रो फाइनेंस के भविष्य पर चर्चा करेंगे। राजस्थान में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज जयपुर में होगी। पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बैठक में भाग लेने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी के प्रदेश महासचिव और विधायक भजन लाल ने बताया कि नवनिर्वाचित विधायकों का पंजीकरण दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे भी बैठक में उपस्थित होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय बुधवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव नए मुख्यमंत्री। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में सोमवार को हुई पार्टी के विधायक दल की बैठक में मोहन यादव के नाम पर मुहर लगी। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने विधायक दल के नए नेता के तौर पर मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव किया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता मोहन यादव को राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें अगले मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति से संबंधित एक पत्र सौंपा। भाजपा ने 17 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में 230 सदस्य विधानसभा में 163 सीट जीतकर मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखी। डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। डॉक्टर मोहन यादव का जन्म 25 मार्च 1965 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ। मोहन यादव ने पढ़ाई के दौरान ही राजनीति में कदम रखा। उन्होंने माधव विज्ञान महाविद्यालय से पढ़ाई की।
डॉक्टर मोहन यादव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री भी रहे। वर्ष 1982 में उन्हें छात्र संघ का सचिव चुना गया। भाजपा के राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहे। सिंहस्थ मध्य प्रदेश की केंद्रीय समिति के सदस्य भी रहे। मनोनीत मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण के प्रमुख और पश्चिम रेलवे बोर्ड में सलाहकार समिति के सदस्य रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से 2013 में पहली बार विधानसभा पहुंचे। मिजोरम में 9वीं विधानसभा की पहली बैठक आज शुरू होगी। इसमें राज्यपाल का संबोधन, नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तथा दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस सत्र में 3 बैठकें होंगी। आज पहले दिन प्रोटेम स्पीकर लालफेम कीमा नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद अध्यक्ष का चुनाव होगा। सत्र के दूसरे दिन कल राज्यपाल का अभिभाषण होगा। तीसरे दिन उपाध्यक्ष का चुनाव होगा और राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 7वां दिन। लोकसभा और राज्यसभा में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध किए गए हैं। लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 पेश किया जाएगा, जिसे चर्चा के बाद पारित किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन विधेयक 2023 भी लोकसभा में पेश किया जाएगा। वहीं निम्न सदन में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लाया जाने वाला विनियोग विधेयक 3 और 4 भी सूचीबद्ध किया गया है। वहीं राज्यसभा में कानून मंत्री द्वारा रिपलिंग और अमेंडमेंट बिल 2023 रखा जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 भी सूचीबद्ध है। फाइबरनेट घोटाला मामले में चंद्रबाबू नायडू की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेगा। स्किल डेवलपमेंट घोटाले में चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी ने 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था। 73 वर्षीय नायडू पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने साल 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के फंड का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची में जमीन खरीद में अनियमितता को लेकर आज पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। यह इस मामले में हेमंत को ईडी की ओर से भेजा गया 6ठा समन है। 5 समन पर पूछताछ के लिए वे उपस्थित नहीं हुए थे। ईडी ने हेमंत सोरेन को आज रांची कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन की वैधानिकता को चुनौती देते हुए दावा किया था कि राजनीतिक कारणों से उन्हें परेशान किया जा रहा है। प्याज की पैदावार में महाराष्ट्र देश का नंबर 1 राज्य है और यहां के किसान प्याज के निर्यात पर लगी रोक के फैसले से सहमत नहीं है। हालात को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किसानों को भरोसा दिया है कि वो किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से बात की है। शिंदे ने कहा है कि उन्होंने पीयूष गोयल को यहां की परिस्थिति से अवगत कराया है। शिंदे के अनुसार पीयूष गोयल ने भी कहा है कि कुछ ऐसा फॉर्मूला निकाला जाएगा ताकि ग्राहकों के साथ किसानों का भी नुकसान ना हो। दरअसल केंद्र सरकार ने प्याज के मौजूदा उत्पादन और वैश्विक स्थिति को देखते हुए 31 मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे किसानों में रोष देखा जा रहा है। सरकार ने कहा है कि देश भर के 58 हवाई अड्डों को कृषि उड़ान योजना में शामिल किया गया है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही। उन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों के जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए 2021 में कृषि उड़ान योजना के दूसरे चरण की घोषणा की गई थी। कृषि उड़ान योजना की शुरुआत 2020 में की गई थी। कृषि उड़ान योजना 2.0 का मुख्य उद्देश्य कृषि उपज के परिवहन के लिए मॉडल मिश्रण में हवाई परिवहन की हिस्सेदारी बढ़ाना है, जिसमें बागवानी, मत्स्य पालन, पशुधन और प्रसंस्कृत उत्पाद शामिल हैं। राजधानी दिल्ली को जहरीली हवा से अभी राहत नहीं मिली है। आज भी दिल्ली का वायु प्रदूषण स्तर खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से नमो ऐप पर विकसित भारत एम्बेसडर मॉड्यूल में प्रभावशाली कार्य करने की 100 दिन की चुनौती को स्वीकार करने का आग्रह किया है। इस अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट दीपा मलिक और फैशन डिजाइनर जे वलाया को विकसित भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया।
विकसित भारत संकल्प यात्रा दिन प्रतिदिन अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले के टांडा विकासखंड क्षेत्र में त्रिलोकपुर ग्राम पंचायत में पहुंची यह यात्रा ग्रामीणों के बीच काफी लोकप्रिय साबित हुई। हजारों की संख्या में ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों ने संकल्प यात्रा के साथ चल रहे प्रचार वाहन के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल के माध्यम से भी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों से ग्रामीणों ने योजनाओं संबंधी लाभ प्राप्त करने की जानकारी ली। संकल्प यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड और किसान सम्मान निधि का प्रमाण पत्र सहित कई अन्य योजनाओं का लाभ दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान महाकाल को चांदी का मुकुट चढ़ाया गया। इस दौरान भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति की अनूठी मिसाल पेश की। देश में प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल हैं। वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 में अखिल भारतीय कोयला उत्पादन क्रमशः 778.21 मिलियन टन और 893.19 मिलियन टन रहा। मुंबई हवाई अड्डे पर पिछले महीने अब तक की सर्वाधिक आवाजाही दर्ज की गई है। इस हवाई अड्डे के जरिए 44.6 लाख यात्रियों ने यात्रा की। यह संख्या पिछले साल नवंबर के 39 लाख यात्रियों की तुलना में 13% अधिक है। पुणे की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी काइनेटिक ग्रीन ने अपना तेज रफ्तार वाला ई स्कूटर जुलू पेश किया है। यह दो मूल्य वर्ग में आता है, एक में बैटरी की लागत शामिल है तो दूसरे में 3 साल की बैटरी सदस्यता योजना शामिल है। सरकार के स्वामित्व वाली भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपनी सहायक इकाई LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट में 25 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी लगाने की घोषणा की है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। सोमवार को जारी PwC के इंडिया वर्कफोर्स होप्स एंड फियर्स सर्वे 2023 नामक एक नए सर्वे के अनुसार 51% भारतीयों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्हें काम पर प्रोडक्टिविटी में सुधार करने में मदद करेगा। भारत का औसत ग्लोबल औसत से अधिक है। राज्यों ने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार रखा है जारी। भारतीय रिजर्व बैंक की राज्यों की वित्तीय स्थिति पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों ने अपनी वित्तीय स्थिति में 2021-22 के दौरान प्राप्त सुधार को 2022-23 में भी जारी रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता को प्रिंट मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया मंच पर ऋण माफी की पेशकश से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों को लेकर आगाह किया है। रिजर्व बैंक की ओर से सोमवार को जारी बयान के अनुसार उसने ऋण माफी की पेशकश करके उधारकर्ताओं को लुभाने वाले कुछ भ्रामक विज्ञापनों पर गौर किया है। उद्योग मंडल फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नव नियुक्त अध्यक्ष अनीश शाह ने कहा कि मजबूत आर्थिक गतिविधियां, सकारात्मक धारणा और निजी निवेश बढ़ने के साथ उद्योग चालू वित्त वर्ष में 7.5% से 8% और अगले वित्त वर्ष 2024-25 में 8% वृद्धि दर की उम्मीद कर रहा है। IPL 2024 ऑक्शन के लिए 333 खिलाड़ी तैयार। 7 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस के साथ नीलामी में शामिल हुए हैं, जिसमें 2023 विश्व कप के हीरो ट्रैविस हेड भी शामिल हैं। इंफोसिस के CFO नीलांचन रॉय ने दिया इस्तीफा। कंपनी ने जयेश संघराजका को नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किया नियुक्त।
ईपीएफओ ने अक्टूबर तक ईटीएफ में 27,105 करोड़ किया इन्वेस्ट। 2015 से कर रहा है निवेश। वित्त वर्ष 2022-23 में 53,081 करोड़ इन्वेस्ट किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने अमेरिकी दौरे पर आज व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच सैन्य सहायता समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इससे पहले कल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वॉशिंगटन में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को संबोधित करते हुए कहा कि वे अब भी सैन्य सहायता के लिए अमेरिका पर भरोसा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका भी यूक्रेन पर भरोसा कर सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरोधी एलेक्सी नवलनी करीब एक सप्ताह से गायब है। 19 साल कैद की सजा काट रहे नवलनी को कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन जेल से उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उपलब्ध ही नहीं कराया गया। नवलनी के वकीलों की एक सप्ताह से उनसे कोई बात नहीं हुई है। कैदियों की सूची से भी उनका नाम गायब है। मॉस्को के पूर्व में एक जेल में कैद नवलनी को चरमपंथ के मामले और अन्य अपराधों में इसी साल अगस्त में 19 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। अमेरिका ने एलेक्सी नवलनी के गायब होने पर चिंता जताई है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि उनके सहयोगियों ने जानकारी दी है कि उन्हें पिनल कॉलोनी से हटा दिया गया है, जहां वह पिछले साल के कैद में थे और वर्तमान में उनके ठिकाने का पता नहीं है। अमेरिका ने रूसी सरकार को सूचित किया है कि नवलनी के साथ जो कुछ भी होता है उसके लिए वे जिम्मेदार हैं। अमेरिका के टेनेसी में भीषण तूफान के बाद कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। 40,000 लोगों को बिजली गुल होने का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों ने तूफान और बवंडर से प्रभावित क्षेत्रों की जांच, सफाई और बिजली बहाल करने के लिए काम किया। मोंटगोमरी काउंटी और नैशविले में अधिकारियों ने 6 मौतों की सूचना दी है। नैशविले क्षेत्र में तूफान के पीड़ितों में से एक बच्चा भी था और तूफान के कारण प्रभावित 13 लोगों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुबई में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 अपने अंतिम चरण में है। वार्ताकारों के बीच ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए विचार विमर्श अंतिम चरण में है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से सोमवार को इस समझौते का नवीनतम मसौदा दस्तावेज प्रकाशित किया गया, जिसमें संभावित जलवायु समझौते को लेकर कई विकल्प सुझाए गए। चरणबद्ध तरीके से जीवाश्म ईंधन को खत्म करने को अंतिम समय में ड्राफ्ट से हटा दिया गया है। यह यूरोपीय संघ और कई विकासशील देशों की प्रमुख मांग थी। सोमवार को जारी मसौदे में कहा गया है कि समूह मानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में तीव्र और निरंतर कटौती की आवश्यकता है। पोलैंड की संसद ने प्रधानमंत्री पद के लिए डोनाल्ड टस्क का समर्थन किया। इससे पोलैंड में 8 साल के राष्ट्रवादी शासन का अंत हो गया और देश यूरोपीय संघ के साथ संबंधों में नरमी की राह पर आ गया। लोकतांत्रिक मानकों पर ब्रुसेल्स के साथ विवाद के कारण पोलैंड ने यूरोपीय संघ के 10 अरब यूरो के फंड को रोक दिया था, लेकिन यूरोपीय परिषद के पूर्व अध्यक्ष टस्क ने संबंधों को सुधारने और नकदी को मुक्त करने की शपथ ली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन को 90 करोड़ रुपए की सहायता की मंजूरी दी है। IMF के कार्यकारी बोर्ड ने यूक्रेन को दिए जाने वाले 15.6 अरब डॉलर के ऋण कार्यक्रम के तहत यह मंजूरी दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोडिमीर जेलेंस्की ने कल वॉशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात की। जॉर्जीवा ने युद्ध के बीच सकारात्मक आर्थिक विकास के लिए जेलेंस्की को बधाई दी और यूक्रेन के लिए निरंतर समर्थन का वादा किया। जेलेंस्की ने IMF और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इसराइल द्वारा इस्तेमाल की गई सफेद फास्फोरस हथियारों के इस्तेमाल की रिपोर्टों को लेकर संयुक्त राज्य की तरफ से चिंता जाहिर की है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में अक्टूबर में इसराइल के दक्षिण लेबनान पर किए गए हमले में इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कम से कम 9 लोग जख्मी हुए थे। मिलर ने कहा कि सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल सैन्य उपयोगों के लिए वैध है, मगर इस्तेमाल करना चिंताजनक है। मिलर ने यह भी कहा कि अमेरिका की नीतियों से इसराइल किसी तरह से रहित नहीं है। उनके हथियार प्राप्त करने वाले किसी भी देश को युद्ध के कानूनों का पालन करना होगा।
पेंटागन ने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने 106.5 मिलियन डॉलर की बिक्री की अनुमति देने के लिए हथियार निर्यात नियंत्रण अधिनियम के तहत आपातकालीन प्राधिकरण का इस्तेमाल किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज जेक्यूबेहा में खेला जाएगा। रविवार को दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो गया था। भारत ने इस सीरीज में अपने अनुभवी खिलाड़ियों को आराम देते हुए युवाओं को मौका दिया है। अगले साल होने वाले T20 विश्व कप 2024 के मद्देनजर टीम में जगह बनाने के लिए युवाओं के पास अपनी दावेदारी पेश करने का अच्छा मौका है। तमिलनाडु की टीम ने भी विजय हजारे ट्रॉफी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बना ली। तमिलनाडु ने मुंबई को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरे पास ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउस वाइफ्स हैं, तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैच में मुंबई ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मुंबई की टीम ने 48 ओवर 3 गेंद में 227 रन बनाए, जिसके जवाब में तमिलनाडु की टीम 43 ओवर 2 गेंद में 3 विकेट खोकर 229 रन बनाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अगले साल जनवरी मार्च में भारत के खिलाफ खेली जाने वाली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 16 सदस्यीय इस टीम में एक नाम ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और वो है शोएब बशीर का, जो इस सीरीज से अपना टेस्ट डेब्यू करेंगे। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। शनिवार को ही समाप्त हुई 3 मैचों की वनडे सीरीज में इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। अब टीम T20 में हार का हिसाब चुकता करना चाहेगी। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम का सामना नीदरलैंड्स से होगा। दो बार की चैंपियन भारतीय टीम को नीदरलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ पूरी ताकत के साथ उतरना होगा। राजधानी दिल्ली में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इन खेलों की औपचारिक शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिस्सा ले रहे पैरा एथलीट को शुभकामनाएं भी दी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 53 और T54 में महिलाओं की 100 मीटर रेस में तमिलनाडु की कैलाश शैलवी स्वर्ण पदक जीता। वहीं महाराष्ट्र की गीता ने रजत और तमिलनाडु की ही किरण श्रीराम ने कांस्य पदक हासिल किया। महिलाओं के जैवलिन थ्रो के F33 और F34 वर्ग में महाराष्ट्र के भाग्यश्री एम जाधव ने स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने 13.57 मीटर तक जैवलिन फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। राजस्थान की सरिता कुमारी ने रजत और राजस्थान की कांस्य पदक जीता। ऊंची कूद के एथलीट वरुण सिंह भाटी और निषाद कुमार ने खेलो इंडिया पैरा खेलों के पहले दिन स्वर्ण पदक जीतकर अपनी चमक बिखेरी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के शानदार खेल के दम पर क्लब अल नस्र ने सऊदी किंग कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 74वें मिनट में गोल किया और उनका यह गोल इस साल का 50वां गोल भी रहा। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो 16 गोल के साथ टॉप गोल स्कोरर बने हुए हैं। तुर्की सुपर लीग में सोमवार को एक घरेलू मैच के दौरान फारुखोका क्लब के प्रेसिडेंट इस कदर नाराज हुए कि फील्ड पर उतर कर रेफरी को घूंसा मार दिया। इस वाकये के बाद फिलहाल के लिए लीग के मुकाबलों को रद्द कर दिया गया है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से अस्पताल मिलने पहुंचे चिरंजीवी। तेलंगाना के पूर्व सीएम के स्वास्थ्य का जाना हालचाल। चिरंजीवी हैदराबाद के अस्पताल में मिलने के बाद से सुर्खियों में है।
अभिनेता रणदीप हुड्डा और लिन लैश्राम के रिसेप्शन की तस्वीरें सामने आई। मैरून साड़ी में नजर आई दुल्हन रणदीप हुड्डा और मॉडल लिन लैश्राम ने 29 नवंबर को मणिपुर में शादी की। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने मुंबई में अपने इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया है। पार्टी में बॉलीवुड के कई लोग स्पॉट हुए हैं। तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा भी फंक्शन में स्पॉट हुए। भारत में 2023 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की गई जवान। गूगल ने साल 2023 की अलग अलग कैटेगरी में टॉप सर्च की लिस्ट जारी की है। इस साल लोगों ने फिल्म जवान को गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल के हिट होने के बाद इसी कड़ी में अब रणबीर कपूर स्टारर ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल भी भोजपुरी में बनने वाली है। कहा जा रहा है कि एनिमल फिल्म के सुपर डुपर हिट होने के साथ ही भोजपुरी प्रोड्यूसर इसे भोजपुरी में बनाने की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म सालार को सेंसर बोर्ड ने दिया ए सर्टिफिकेट। इतनी लंबी होगी प्रभास की फिल्म। यह फिल्म सालार पार्ट एक है। इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिका में है। फाइटर के टीजर पर आया शाहरुख खान का रिएक्शन। दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर की फाइटर 25 जनवरी को रिलीज होने के लिए तैयार है। वहीं इसका टीजर भी शुक्रवार को रिलीज किया गया था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 की हुई घोषणा। वहीं नॉमिनेशन की लिस्ट आई सामने। इस बार बार्बी और ओपेनहाइमर ने धूम मचाई है। फिल्म और टीवी की दुनिया के इस पुरस्कार का आयोजन जनवरी में होने जा रहा है। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने फिलिस्तीन में युद्ध विराम की गुजारिश की। यूनिसेफ का पोस्ट शेयर किया। लिखा, बच्चों के भविष्य के लिए युद्ध विराम जरूरी है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।